बंटवारे को लेकर कुछ प्रवासी संगठनों ने रिक्शे का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उसको लेकर सोमवार दिनांक 29 नवंबर के दिन प्रवासी मंडल वाहतूक अधिकारी और आपके साथ कुछ बैठक हुई है, उस बैठक का परिणाम क्या हुआ? देखिए सर जी, आप बोल रहे वैसे चार दिन पहले ही सब सोशल मीडिया पे रिक्शे में बैठने का बहिष्कार चालू था और रेलवे प्रवासी संगठन ने वो सब वायरल किया था। उसके बाद जब वायरल होने के बाद हमारी इससे पहले ही मांग की थी कि रिक्शा जो भाड़ा है वो बढ़ के मिले, लेकिन आज तक वैसा हुआ नहीं था। लेकिन कोरोना के टाइम पे जो शासन और जिला अधिकारी जो निर्बंध लाता था, जो निर्बंध थे उसके ऊपर दो प्रवासी बैठने की क्षमता दिया था और उसका भाड़ा डबल हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्थिति जो था वो पहले जैसी हो रही थी, उसके बाद आप देखेंगे तो ट्रेन में जाइए वही जो परिस्थिति थी, बस में थी या यहाँ की परिवहन सेवा की बस थी, एसटी महामंडल की बस थी उसमें आप देखेंगे, और बाकी इतना जो बस खासगी बस था उसमें अगर देखेंगे तो प्रवासी की जो क्षमता थी बढ़ते दिन में दिन बढ़ती जा रही थी। वैसा ही रिक्शा में लोगों का प्रवासी संगठन का कहना था कि हम लोग अगर दो बैठे तो आप डबल भाड़ा लेते, अगर उससे ज़्यादा भी बैठ रहे तो डबल भाड़ा रहे थे। तो भाड़ा जो बढ़ रहा था, बढ़ गया था, उसका जो भाड़ा रेट था जो कंटिन्यू रिक्शा चालका ने किया था उसके ऊपर किधर पाबंदी आना चाहिए था, और उसके लिए प्रवासी संगठन ने जो किया था वो उसके प्रवासी संगठन इधर के डिप्यूटी दशरथ वाघोले साहब, वाहतूक शाखा के अधिकारी, रिक्शा संगठन और प्रवासी संगठन का पदाधिकारी, ये कल बैठ के लोगों ने तय किया कि भाड़ा बड़ा नहीं है, भाड़ा जो लॉकडाउन के पीरियड में जो गवर्नमेंट ने निर्बंध लादा था उसके ऊपर से भाड़ा चालू था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता का निर्बंध कम हो जा रहा है, प्रवासी संख्या अगर बढ़ रही है रिक्शा में तो उसका भाड़ा जैसा लॉकडाउन के पहले था वैसा लेने के था। अभी 10 और 12 रुपये अगर बोल रहे तो उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा ये है कि 1.5 किलोमीटर के लगभग अगर जाते तो अपना मीटर का रीडिंग जो है ट्रिपल वो 21 रुपये होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसी गाड़ी आगे आगे किलोमीटर के हिसाब से जाएगी वैसा भाड़ा बढ़ते जा रहा है। यहाँ का शेयरिंग है, यहाँ का कोई मीटर के हिसाब से प्रवासी प्रवास कर नहीं सकते, क्योंकि अगर प्रवासी मीटर के हिसाब से करने जाए तो एक पैसेंजर के ऊपर 21 रुपये आएगा। यहाँ के जो अनेक सालों से चल रहा है शेयरिंग रिक्शा में क्या हो रहा है कि जो भाड़ा रहता है वो भाड़े के ऊपर 33% बाढ़ मतलब 33% एडिशनल करके जो भाड़ा आता है वो भाड़ा 3 प्रवासी में मतलब डिवाइडर हो जाता है। उस अभी मेरी खुद की रिक्शा संगठन बनी हुई वो हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और हम लोग का 25-26 रिक्शा संगठन का एक महासंघ बना है, वो महासंघ में सेक्रेटरी करके काम पाता देखता हूँ मैं, तो वो हिसाब से हम लोग ने सरकार के पास या परिवहन आयुक्त कार्यालय के पास एक प्रस्ताव दिया है कि रिक्शा भाड़ा हमको बढ़ा के मिलना मांगता है, क्योंकि यहाँ के अगर देखने जाए तो जो 2015 में रिक्शे का पेट्रोल का दाम था और आज का दाम देखे जाए तो उसमें बहुत सारा फर्क है। उसके बाद अगर CNG देखने जाए, मुंबई जो महानगर गैस का CNG है उधर CNG का दाम है 61 रुपीज़ है, अगर वही दाम अपन इधर जाए तो अपने इधर गुजराती CNG मिल रहा है तो गुजराती CNG का जो दाम है वो है 69, यानी 9 रुपये का फ़र्क है, 9 रुपये का फ़र्क भी है और पेट्रोल के दाम पे गाड़ी चल रही है। CNG अगर देखने जाए तो CNG पंप आज वैसे विराट शहर महानगर पालिका के क्षेत्र में 1 या 2 है, CNG पंप बढ़ नहीं रहे। आज CNG बढ़ने जाए तो हमारा रिक्शे वाला 50-60 किलोमीटर जाके आ जा रहा है CNG भरने के लिए। तो हर चीज़ का इसमें इंक्लूडिंग करना चाहिए, गाड़ी की कॉस्ट देखना चाहिए, स्पेयर पार्ट देखना चाहिए, जैसे प्रवासी या सर्वसामान्य लोगों का स्कूल का बच्चे स्कूल में जाती है उनको कैसा खर्चा है, वैसा इनको भी एक ये भी घटक को एक कुटुंब है कि नहीं है तो उसका भी खर्चा है, लेकिन ये आज के डेट में बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है और कम 21 रुपये उसके ऊपर कम से कम 25 रुपये भाड़ा बढ़ना चाहिए, इसलिए हम आज ये मांग गवर्नमेंट के पास की है। कल का जो निष्कर्ष है मीटिंग का तो वो सभी रिक्शा मान्य करेंगे क्या? मान्य करना मतलब करना ही है ना, वो नेम और रूल नेम से है ना वो। आप सर कोई उल्लंघन करता है जैसे प्रवासी से ज़्यादा वसूल करता है तो उसके खिलाफ कुछ आप भी कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, हम लोग ने रिक्शा चालका को आह्वान किया है, सब रिक्शा चालकों को बुलाया गया है कि आग अगर जो प्रवासी है प्रवासी से अच्छे सरीके रहो, ज़्यादा पैसेंजर मत बिठाओ गाड़ी में, जो नेम रिक्शा परमिशन के ऊपर 3+1 का अगर परमिशन दियो है तो परमिशन दियो, वो परमिशन से बैठो। अगर यहाँ के शेयरिंग में 14 सीट बैठता है तो प्रवासी अगर बैठ रहा है तो
तो आप मना कीजिए, नहीं माना तो फिर इसमें और झगड़ा होने वाला है कि बहुत सारी गाड़ी पहले कम थी इसलिए चौथा सीट बैठ के लोग घर पे जा रहे थे। अगर पैसेंजर नहीं मानेगा, वो पैसेंजर अगर बैठना ही बैठना है तो वो रिक्शा वाला क्या करेगा उसके लिए। तो हम लोगों ने भी रिक्शा प्रवासी संगठन को बोला है कि आप भी बोलो कि चौथा सीट बैठना है कि नहीं बैठना है, ये पैसेंजर के ऊपर डिपेंड है ना। चौथा सीट बैठने के लिए हम लोग तो बोल नहीं सकते क्योंकि रिक्शा परमिट जो है 3+1 है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आह्वान करेंगे कि लोगों को, रिक्शा चालकों को? आह्वान ऐसा है कि देखो माए बाप प्रवासी हो, रिक्शा का जो दर है आज आपसे रिक्शा चालक अगर वो भाड़ा ले रहा है वो बहुत सारा कम है। एकंदर रिक्शा चालक का खर्चा अगर देखने जाए तो खर्चा और भाड़ा इसमें बहुत तफावत है। हम लोग रिक्शा भाड़ा बढ़ने के लिए शासन के पास प्रस्ताव डाला है, अगर वो भाड़ा मिलेगा, बढ़ के मिलेगा तो कल बढ़ के आपको देना ही देना है। लेकिन आज तक आए तक कोई भी रिक्शा चालक आपसे अगर गलत या भाड़ा ज़्यादा ले रहा है तो आप उससे वाहतूक शाखा RTO कार्यालय जो है उनका नंबर दिया हुआ है प्रवासी संगठन को, तो वो वहाँ से अगर शिकायत करे तो बाकायदा अगर गलत कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है।